थैंक यू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराची आने के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। वजीर आजम एमकेएम पाकिस्तान के मरकज भाद्राबाद जाएंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, बताइएगा कब तक पहुँच रहे हैं इमरान खान, किन किन से मुलाकात होगी, कौन कौन से मामलात हैं, कौन कौन से उमूर हैं जिस पर गुफ्तगू की जाएगी? देखें, कुछ ही देर बाद अब तो वज़ीर आज़म इमरान खान कराची पहुंचने वाले हैं। एक अहम दौरा है वज़ीर आज़म का, पार्टी अमूर के हवाले से, मौजूदा सियासी हालात के हवाले से, इत्तेहादियों से मुलाकात सबसे अहम एजेंडा है इस दौरे का, जिसमें वो एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात के लिए भाद्राबाद जाएंगे, एमकेएम पाकिस्तान के हेड ऑफिस जाएंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म सिंध में पार्टी कारकुनों को मुतारिक करने के लिए अवामी नुमाइंदों, पीटीआई के मुंतखब अराकीन सिंध असेंबली और कौमी असेंबली से मुलाकात करेंगे। पीटीआई की सूबाई और डिविजनल लेवल की क्यादत के साथ भी वज़ीर आज़म दौरा कराची के दौरान मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, अमनो अमान की सूरत हाल, सूबे में जो तरक्याती काम है उस हवाले से दीगर अहम इशूज़ पर इस दौरे के दरमियान बातचीत होगी। असल इस दौरे का मकसद इत्तेहादियों से मुलाकात है और अराकीन असेंबली से मुलाकात है जो कि कराची में है, क्योंकि अब अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद इत्तेहादियों का रोल एक अहम रोल है। इसलिए वज़ीर आज़म आज एमक्यूएम पाकिस्तान के हेड ऑफिस भाद्राबाद जाएंगे और इत्तेहादियों से अहम मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, दौरा है, बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है, इत्तेहादियों से बातचीत होगी, और कौन कौन से मामले हैं इस हवाले से भी बातचीत होगी, क्या करना है, आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अब्बास शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका।